गढ़वा जिले में नगर परिषद और पीएचईडी विभाग की तरफ से लापरवाही से शहरवासी परेशान है। दरअसल इन दिनों वार्ड 7 में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पिछले 6 माह से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वही इस मामले पर वार्ड पार्षद विनोद प्रसाद ने कहा कि हम इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इधर विगत कुछ दिन पहले मेन रोड का नाली जो निर्माण हो रहा था, वो कॉन्ट्रेक्टर संगठन द्वारा पाइप को फाड़ दिया गया, कहीं कहीं टूट गया, फट गया, उसी ढाल के चला गया, भाग गया, और जो है कि वही नाली के पानी उसमें दूषित करके और उधर जा रहा है, क्योंकि जनता के बहुत पानी पीने के कठिनाई का सामना करना पर हम लोग अनेकों बार कितने बार पीएचडी में हम लोग आवेदन दिए हैं, कंप्लेन किए हैं कि आपका पानी सप्लाई में जो नाली के पानी उसमें यूज होकर घर घर पहुंच रहा है, इसको देख के जांच करके दुरुस्त किया करने के काम किया जाए। और गढ़वा से अधिक जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, नगर परिषद और पीएचईडी विभाग की लापरवाही की वजह से वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो गंदे पानी पीने को मजबूर है। आखिर इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और लोगों को अच्छे पानी की सुविधा क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही? इस मामले को लेकर आपने बातचीत करने की कोशिश की, आखिर पूरा मामला क्या है? जी उर्वशी, मैं आपको बता दूं कि यह मामला विगत 6 माह से चल रहा है, लेकिन लोग इधर उधर से तो पानी पी लेते थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में जब सारा चापाकल और कुआं और अन्य स्रोत जो बंद हो गए, इसके बाद लोग सप्लाई नल का जब यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ गंदा पानी आ रहा है और दूषित पानी, ऐसा लग रहा है कि वह नाली या सेप्टिक टैंक का पानी हो। जब इस बाबत हमने वहां के वार्ड पार्षद है, वार्ड साहब के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 6 माह में कई बार लिखित पीएचडी को या नगर परिषद को दे दिए हैं, लेकिन ना तो पीएचडी की ओर से कोई पहल की जा रही है, ना ही नगर परिषद की ओर से। उन्होंने यहाँ तक बताया कि विगत 6 माह पूर्व मेन रोड में नाली निर्माण हो रहा था और उसी दौरान पाइप कट गई थी, वही पाइप का पानी जो है वो सभी के घरों में सप्लाई हो रहा है। जी तो आपने धर्मेंद्र बात करने की कोशिश की बड़े अधिकारियों से, आखिर नगर परिषद के द्वारा इस तरह की क्यों खामियां देखने को मिल रही है? कब तक इस पूरे मामले पर जो है वो ये पूरा मामला ठीक हो जाएगा, लोगों को शुद्ध जल पीने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बात की जाए पीएचडी विभाग की, तो परला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने जो शहरी क्षेत्र है उसे नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया है और ये सारी जिम्मेवारी नगर परिषद की है। फिलहाल जो भी नया जलापूर्ति योजना, शहरी जलापूर्ति योजना है, उससे लोगों को पानी दी जाएगी, लेकिन वह कब चालू होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अभी जो पानी आ रही है वो साफ तौर से आप कुछ तस्वीरें में देख सकती हैं कि नाली का पानी है, एकदम साफ काला रंग का पानी है और बदबूदार पानी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो देखना होगा पीएचईडी विभाग के द्वारा कब तक लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराया जाता है। हालांकि पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।